उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अगले महीने यानी अगस्त के पहले सप्ताह तक योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। चर्चा है कि हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए बीजेपी के नेताओं की लॉम्बिंग ज्यादा तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें, योगी सरकार 1.0 के मंत्री रहे कुछ पूर्व मंत्री और विधायक भी मंत्री पद के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगाने लगे हैं। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्री हटाए जा सकते हैं, जबकि आधा दर्जन नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही बीजेपी संगठन से एक मंत्री बनाया जाएगा, पूर्वांचल के एक मंत्री का पत्ता भी कट जाएगा और नए मंत्री भी बनेंगे। ऐसे नेता जो पिछली सरकार में मंत्री रहे लेकिन इस बार मौका नहीं मिला, उन्हें भी इसमें चेहरा शामिल होने का मौका मिल सकता है। मंत्री पद की रेस में पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा पूर्व MSMI मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और पूर्व परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया और मार्ट से विधायक राजेश चौधरी भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलते ही जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह के बीच शपथ समारोह भी संपन्न हो जाएगा। ऐसे में सीएम योगी की और यूपी की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।